गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वर्क। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 8, क्लोथ्स विल वेयर। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 81। इन अर्ली टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन अ केव, दे डिड नॉट हैव क्लोथ्स टू वेयर। दे कवर्ड देमसेल्व्स विद लीव्स ऑफ द ट्रीज। एनिमल स्किन। Later they are learned that the art of the wearing and stitching of clothes using the fiber of cotton and silk. They have also used wool for sheep to make us clothes that keep us warm in a winter. देखिए early years में मतलब जो आदि मानव time जब था हमारा, जो आदि मानव थे वो नहीं जानते थे कि हमारे जो clothes है वो कैसे पहने, तो वो लोग क्या पहनते थे, पत्तों के कपड़े पहन के पहनते थे बना के, और एनिमल स्किन को बना के पहनते थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि हम किस तरह से अपने क्लोथ बना सकते हैं, और उन्हें जब सिलाई आ गई तब उन्होंने अलग अलग तरीके से कपड़े बनाने शुरू किए। उसमें क्या था, पहले जो नेचुरली हमें मिल सके वो है कॉटन और सिल्क। व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? Clothes are important to us. We need clothes to cover our body. Clothes protect us from dust, heat, cold, rain and insect bite. If we put on some clothes for longer hours, they become dirty because there are dust present in our surrounding, will settle on them. They show the clothes protect us from dust. We wear go to outside and sunny days for a long period of time. The exposed part of our body become sometime wrinkled, summer too, sunburns too. This show the clothes protect us from scald heat of the sun. देखिए हमें क्लोथ्स क्यों पहननी चाहिए, क्योंकि जब भी हम हमारे आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी होती है, हमें अलग अलग मौसमों से हमारे जो क्लोथ्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें किस किस मौसम से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कितने मौसम होते हैं, 5 ही, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम, इन सभी सीजन से हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा देर धूप में रहेंगे तो आपको इसके आपकी जलने लगती है, उससे भी हमारे क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर व्हेन वी वेयर अ थिक एंड वार्म कॉटन क्लोथ्स, वी फील अ कंफर्टेबल थ्रू द क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ कोल्ड। ड्यूरिंग रेन डेज टू गो आउट इन अ रेन, वी वेयर रेन कोट, दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। एट नाइट लॉन्ग सर्वाइव क्लोथ्स protect us from mosquitoes bite, clothes therefore protect us from insects bite too. देखिए जो winter clothes होते हैं वो कौन से होते हैं, हाँ जो winter clothes होते हैं वो हमारे होते हैं गर्म कपड़े, जो हमें ठंड से protect करते हैं। जो और rainy days वाले clothes कौन से होते हैं, raincoat, umbrella, gum boots जो हम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, ताकि हम बाहर जो बारिश हो रही है उससे बचे रहें, हमें ड्राई रखने के लिए। वो किस मटेरियल से बनता है, वाटर प्रूफ मटेरियल से। द क्लोथ्स वी वेयर कॉटन, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन। इट इज हॉट इन समर सीजन, सो वी स्वेट अ लॉट, वी प्रोटेक्ट अस टू रोल ऑफ क्लोथ्स दैट स्वीट एंड कीप अवर बॉडी कूल। कॉटन अब्सॉर्ब स्वेट and allow the air to pass through it. So, clothes made of cotton are made of suitable for the weather. In summer, we also protect us from light color clothes, such as that do not absorb such heat and keep our body cool. Clothes is let of our air in. We also feel comfortable in such clothes. देखिए द क्लोथ्स वी वेयर, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं समर सीजन में, हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि समर सीजन बहुत ही गर्मी का दिन होता है,
और कॉटन क्लोथ बहुत ही थिक यानी बहुत ही हल्का कपड़ा होता है और हमारे भी कंफर्टेबल रहता है ताकि हमें ठंडक दे सके और जो हमारे बॉडी में हवा आ जा सके ताकि हमें बॉडी कंफर्टेबल रहे। इन अ कोल्ड इन अ विंटर सीजन सो वी वेयर नीड टू द कीप अवर बॉडी वार्म सच एज अ क्लोथ आर जनरली मेड ऑफ वुल एंड लेदर दे कीप अस बॉडी वार्म डार्क क्लोथ अब्सॉर्ब हीट सो डार्क कलर्ड क्लोथ्स कीप अस वार्म एंड यूजुअली प्रेफर्ड इन अ विंटर। देखिए विंटर क्लोथ्स क्या होते हैं हमारे गर्म कपड़े क्योंकि विंटर बहुत ही ठंडक वाला मौसम होता है जिसमें जैसे अभी जो दिसंबर का सीजन चल रहा है वो है हमारा बहुत ही ठंडा मौसम जिसमें हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। गर्म कपड़े यूजली किससे बनते हैं वुल से लेदर से इन सब चीज़ों से हमारे गर्म कपड़े बनते हैं जिसमें हवा अंदर नहीं आ सकती वो हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को ठंड से गर्माहट देती है बॉडी। देखिए आपको पिक्चर्स दी गई है ये जो शॉर्ट टी शर्ट है फ्रॉक है ये कौन सी समर क्लोथ्स है। फिर आपने देखा होगा सेकंड पिक्चर में बहुत सारे जैकेट है मफलर है उसके कान भी पूरे बंद है वो है विंटर क्लोथ्स। थर्ड पिक्चर है आपकी कॉटन क्लोथ्स यूज इन अ रेन रेनकोट है गम बूट्स है और आपके अम्ब्रेला है टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन वी वेयर रेनकोट एंड गम बूट्स वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेला इन अ रेनी सीजन टू अवॉइड गेटिंग वेट। स्पेशल क्लोथ्स पीपल हु वर्क इन अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑल्सो वेयर अ स्पेशल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म गिव अस अ सेंस ऑफ आवर बिलोंगनेस एंड अ प्राइड यू विल वेयर अ यूनिफॉर्म इन अ स्कूल सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल स्पेशल यूनिफॉर्म वांट टू बी वर्क इन अ डिफरेंट प्रोफेशन हेल्प अस टू ईजिली रिकॉग्नाइज दैट फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वी वेयर अ वाइट कोट एंड नर्स वी वेयर अ वाइट यूनिफॉर्म लॉयर वेयर अ ब्लैक कोट सोल्जर एंड पुलिस मैन वी वेयर अ यूनिफॉर्म इन अ थिक फाइबर अ फैक्ट्री वर्कर वेयर अ स्पेशल यूनिफॉर्म दैट कवर्ड हिज बॉडी फॉर अ नेक ऑफ फिट इट इज अ डिजाइन एज अ सच अ वे और नो नो प्रोटेक्ट of a uniform get stuck in a machine. Support a player, a sports player has also a special uniform. This will be help us to recognize which are teams they are played from. The shine code of a football player protect us shine. In getting injured, it has a helmet work. The helmet will be क्रिकेट प्लेयर कीप अस द फेस एंड हेड प्रोटेक्ट फॉर आवर इनकमिंग बॉल। देखिए स्पेशल क्लोथ्स क्या क्या होते हैं जो भी पीपल है वो अगर स्पेशल फोर्सेस में है कि अपने आप प्रोफेशन हो जैसे कि हम टीचर हैं हमारा यहाँ क्या यूनिफॉर्म का कोड है ये एप्रॉन ऐसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है जो कि बताती है कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे ही डॉक्टर का व्हाइट कोट होता है नर्स व्हाइट पूरी यूनिफॉर्म पहनती है लॉयर ब्लैक कोट पहनते हैं पुलिस मैन की अलग यूनिफॉर्म होती है मिलिट्री मैन की अलग यूनिफॉर्म होती है जो भी अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन आवर ट्रेडिशन एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे ऑल्सो आर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या होते हैं जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जिस प्लेस में उनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है उनकी एक ड्रेस भी होती है उसे ट्रेडिशनल ड्रेस कहते हैं जो कि क्लाइमेट से भी डिपेंड होती है। अगर ठंडा इलाका है तो वहाँ पे गर्म कपड़े का एक ट्रेडिशनल कोड होगा उनका अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पे उनके ठंडे जो कॉटन क्लोथ्स है उसका एक ड्रेस होगा। In India, we also have a traditional dress according to the different state. For example, a traditional dress by a woman living in a is called a parsana. The traditional dress for a woman living in Assam is also a mikhal
सेकेंड पिक्चर आपकी केरला की है, ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान। थर्ड पिक्चर आपकी राजस्थान की है, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब। जो लास्ट पिक्चर है आपकी वो है पंजाब की ट्रेडिशनल ड्रेस। इन ईच स्टेट देयर इज अ डिजर्व स्टाइल एंड क्लोथ विद क्लोथिंग पैटर्न दैट कम इन अ डिफरेंट प्रिंट एंड कलर। राजस्थान हैज बीन अ नो ऑफ अ संक्रायनी ब्लॉक प्रिंट विद गुजरात इज द फेमस ऑफ मिरर वर्क ऑन इट्स क्लोथ्स। पंजाब इज नो एज अ ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड फुलकारी ऑन क्लोथ्स। लेट अस परफॉर्म ऑफ अ रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी टू बी अ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। देखिए मैंने आपको बताया हर स्टेट की अपने अपने अलग ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं। जैसे कि यहाँ राजस्थान की संक्रायनी ब्लॉक्स प्रिंट होते हैं, और राजस्थानी ड्रेस आप देखोगे उसमें हाथी घोड़े ऐसे पेंट से प्रिंट होते हैं। गुजरातियों के ड्रेस में मिरर वर्क ज़्यादा होता है, छोटे छोटे कांच से पूरा वर्क होता है। पंजाबी में उनके जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो है फुलकारी क्लोथ्स, फुलकारी उनकी एम्ब्रॉयडरी होती है पंजाबी लोगों की। इसी तरह से बाकी स्टेट्स की भी अपनी अपनी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। मटेरियल ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर। फाइबर आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स। देखिए मटेरियल कौन कौन से, मटेरियल ऑफ क्लोथ्स क्या होते हैं, जिन चीज़ों से हमारे क्लोथ्स बनते। सारे कपड़े अलग, कोई फाइबर पहनता है, कोई स्किन वाले पहनता है, कोई लेदर के पहनता है, कोई कॉटन क्लोथ पहनता है, उन सब के मटेरियल भी अलग अलग होते हैं। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिल रहा है, और एक सिंथेटिक यानी मैनमेड जो कि हम बना रहे हैं ह्यूमंस। नेचुरल फाइबर, फाइबर दैट आर ऑप्टिंग फॉर द नेचुरल सोर्स ऑफ सच एज अ प्लांट एनिमल एंड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। कॉटन, लेनिन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, दे आर डिजर्व फॉर द प्लांट्स। वुल इज ऑप्टेंड फॉर द हेयर टू द शीप सम एज अदर एनिमल इट इज इन द वॉर्न इन टू अ वुलन थ्रेड। सिल्क इज एक्सटेंड फॉर द सिल्क वॉर्म इट इज देन यूज टू अ मेड ऑफ सिल्क क्लोथ्स। देखिए नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि हमें नेचुरली यानी प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। कॉटन क्लोथ्स और जूट है, लेन है, ये कौन से हमारे नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिल रहे हैं। वुल देखिए, जो शीप रहते हैं, शीप के बाल वो होते हैं हमारे वुल यानी ऊन, जो कि हमें ठंड में आराम देता है, वो हमें किससे मिलता है, एनिमल से। सिल्क किससे मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से। उसके जो अपनी जो कुकू रहता है वो अपने पूरे कुक से जो बना धागा बना के अपने आप को कवर करता है वो रहता है सिल्क, वो भी हमें किससे मिलता है, इंसेक्ट से। सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर, फाइबर दैट आर मेड इन अ फैक्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दीज फाइबर आर इजली एंड मेंटेन, दे आर नॉट अलाउड एयर टू पास थ्रू द, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट इन विच इज अ वेदर विच शुड बी वॉश नायलॉन क्लोथ्स। देखिए सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं, जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, उसमें नायलॉन है और पॉलिस्टर और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिससे क्लोथ बनते हैं। ये वाले क्लोथ्स कैसे रहते हैं, ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे रेनकोट है हमारा, रेनकोट हमारा सिंथेटिक फाइबर है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और अगर बाहर पानी गिर रहा है तो उससे भी हमें ड्राई मतलब सुरक्षित रखता है। इवोल्यूशन ऑफ क्लोथ्स, डू नॉट थिंक पीपल नो वेयर सम काइंड ऑफ ड्रेसेस एज अ मैनकाइंड यूज ऑफ वेयर अबाउट 100 years ago. Clothes that we wear changing our things, that is called fashion. It is a reflection of sense of style and intellect of the age of people. देखिए evolution of clothes, clothes जो change होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, fashion.
अलग अलग चीजों का होता है, कभी कुछ कपड़े चल रहे कभी कुछ चल रहे, ऐसे होता है। केयरिंग ऑफ क्लोथ्स, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स, दिस हेल्प देम लेटेस्ट लॉन्गर, हेल्प अ सर्टेन वे इन अ विच वी कैन लुक आफ्टर अवर क्लोथ्स। क्लोथ्स मस्ट बी वॉश रेगुलरली, क्लोथ्स मस्ट बी dried in a sun as a sunshine kills germs. After drying, they should be ironed. Silk and woolen clothes must be washed with the middle of dilution. Next, they are can also be cleaned with a petrol. They is called a dry clean. देखिए क्लोथ्स हमें किस तरह से रखनी चाहिए, हमें रोज क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए और हमें जब भी हम अपने क्लोथ्स को धोएं तो उससे धूप की जो रोशनी होती है यानी सनलाइट बोलते हैं हम उससे, उसमें सुखाना चाहिए, क्योंकि सनलाइट से जो अगर हमारे क्लोथ्स में जर्म्स हैं तो वो मर जाएंगे। सिल्क और जो वुलन क्लोथ्स हैं उसे आप ड्राई क्लीन करते हैं, उसे भी धोना चाहिए और उसे ड्राई क्लीन करते हैं किससे, पेट्रोल से। Woolen and silk clothes must be stored properly when it's not using. They should be kept with the moist place and the bed means of being is called a box and to keep us insect away. देखिए जो woolen और silk clothes होते हैं वो हम मौसम के हिसाब से ही पहन सकते हैं। जब हम woolen clothes पहनते हैं तो सिर्फ ठंड में पहनते हैं, बाकी के seasons में उसे हम बंद करके रख देते हैं। तो जिसमें जिस डब्बे में हम उस क्लोथ्स को बंद करके रख रहे हैं तो उसे अच्छे से धो के अच्छे से सुखा के उसमें जैसे हम नीम की जो दवाइयाँ आती हैं उस नीम के पत्ते भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे क्लोथ्स खराब नहीं होते, उनमें मॉइस्चर नहीं पड़ता और जर्म्स भी नहीं पड़ते। क्लोथ्स फॉर अ बेबी एंड अ सिक पर्सन शुड बी अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऑफ द वॉशिंग ऑफ जर्म्स। देखिए जो बेबीज है और जो पर्सन है जिससे बीमार है वो अगर आपके कपड़े पहन रहा है तो उससे एंटीसेप्टिक नहीं धोना चाहिए, जिससे आप कहते हैं कि हम अपने क्लोथ्स को एंटीसेप्टिक यानी डिटॉल है